हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा नीति पर कि भारत की कैसी शिक्षा नीति है। तो आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं भारत की शिक्षा नीति को, जो पहले और अब के बारे में, कि जो पहले भारत की शिक्षा कैसी थी और अब आधुनिक समय में भारत की शिक्षा क्या है उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। हम इस शिक्षा को हम बेसिकली हम दो भागों में बांट कर जानेंगे। एक, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद की शिक्षा क्या थी, और जब भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे लेकर प्राचीन भारतीय इतिहास तक में भारत में शिक्षा का क्या रूल रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के प्राचीन शिक्षा के बारे में। जब भारत आजाद नहीं था उससे पूर्व जो भारत की शिक्षा नीति थी वो कैसी थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम अभी लेते हैं। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे प्राचीन में, देखें हम सन 1000 ईसा पूर्व के पहले जाना चाहते हैं, वहां से हम शुरू करेंगे कि भारत की शिक्षा नीति कैसी थी। सन 1000 ईसा पूर्व के समय में एक विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये है, इसे अभी जो पाकिस्तान है वो जब उस अभी पाकिस्तान है वो भारत के साथ था। भारत के साथ जब था उसमें पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में तक्षशिला है, वहीं पर एक विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था, शिक्षा के केंद्र बनाया गया था। वहां पर दो धर्म जैसे बौद्ध और हिंदू धर्म मिलकर वहां पर पढ़ाई करते थे। बौद्ध और हिंदुओं का वहां पर केंद्र हुआ करता था शिक्षा का। यहाँ पर देख सकते हैं कि तक्षशिला ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय हुआ था। सन 1000 ईसा पूर्व में इसे स्थापित किया गया था। फिर पाकिस्तान, ये जो जगह है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में तक्षशिला स्थित है। अगर हम थोड़ा सा मैप में देख ले कि अगर ये थोड़ा सा ये इधर इंडिया है और ये इधर से ये पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये है रावलपिंडी, यहीं पर तक्षशिला है, इस क्षेत्र में आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तक्षशिला है। उसके बाद क्या है कि जो तक्षशिला में जो सबसे ज्यादा शिक्षा का माध्यम था वहां पर बौद्ध और हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वहां पर बौद्धों का बहुत ज्यादा शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। फिर यहाँ पर तक्षशिला में एक बहुत महान भारतीय वहां पर अध्यापक रूप में कार्य कर चुके हैं, चाणक्य। चाणक्य नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि विष्णुगुप्त और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ये इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये सामान्यतः ये राजनीति से संबंधित है, चाणक्य का। चाणक्य ने ही ये घनानंद का घमंड को तोड़ने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य को खड़ा किया था। और चाणक्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी पढ़ने के लिए आया करते थे। तो विदेशी छात्र में जो हुआ, जो आए हैं उनका एक बड़ा महान मतलब विदेशी यात्री थे जो चीन से आए थे, तो उनका नाम है फाहियान। फाहियान ये है, विदेशी है। इनका नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि तक्षशिला में पढ़ने वाले विदेशी का नाम बताइए, तो इनका नाम आता है फाहियान है, जो तक्षशिला में चीन से आए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं आगे चल करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ये बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में है, भागलपुर के क्षेत्र में इसका स्थापना किया गया। इसका स्थापना किए थे भारत में उस समय पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल ने इसका स्थापना किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो उसका स्थापना किया धर्मपाल। उसके बाद क्या होता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सन 2002 से 2003 के आसपास में बख्तियार खिलजी इसे नष्ट करवा देता है। बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गौरी का ये अति बोल सकते हैं इसका जो नौकर था, इसके साथ सहायता के लिए आया था जब भारत पर आक्रमण किया था उसी समय में। तो मोहम्मद गौरी के दो सहायक थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी तो वापस अपना घर चला गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ये भारत में ही रह गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर के क्षेत्र में वो अपना कब्जा जमाया था, और ये बिहार बंगाल के क्षेत्र में बख्तियार खिलजी आ गया था। तो बिहार बंगाल क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिमों का ये स्थापना करना शुरू कर दिया, और हिंदू को जो भी चीज विद्या का केंद्र या मंदिर होता था उसे तोड़वा दिया करता था। तो बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था 1202-3 के आसपास में। फिर हम बात करते हैं
किसे अगला है उदयपुर विश्वविद्यालय, यह भी एक शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसका भी स्थापना बिहार के नालंदा क्षेत्रों में पाल वंश के शासक ही धर्मपाल ने ही इसका भी स्थापना कराए थे, धर्मपाल। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय का स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किए थे। फिर हम देखते हैं जो भारत का सबसे ज्यादा जो मशहूर रहा है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के आज भी इसके बारे में बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी दिया गया है, छात्रावास की सुविधा दिया गया है। ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है। इसकी जगह है बिहार के बिहार शरीफ में नालंदा क्षेत्र में, नालंदा में है ये नालंदा विश्वविद्यालय। इसका स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। तो इसका कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किए थे, लेकिन इसे भी आगे चल करके बख्तियार खिलजी द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है, इसे तोड़वा दिया जाता है। यहाँ के जितने भी लाइब्रेरी थे, उसके पुस्तकें थे, सबको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद इसके अवशेष को पूरा खंडहर की तरह बना दिया। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में जाना जाता है। दूसरी है बात की नालंदा विश्वविद्यालय ये 5वीं शताब्दी से लेकर के ये 12वीं ईस्वी तक, मतलब 1200 ईस्वी तक ये इसका कार्यकाल चलता है। बीच में उसके बाद 1200 ईस्वी के बाद से फिर बख्तियार खिलजी आकर के इसे नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, 1193 में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा देता है। ये बौद्ध और हिंदू धर्म का एक शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है कि उस समय बौद्धों का बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता था। कहा जाता है बौद्धी वर्मन भी यही नालंदा विश्वविद्यालय में ही अपना शिक्षा ग्रहण किए थे यहाँ पर। उसके बाद ही बौद्धी जो थे वो आगे चल करके फिर चीन चले गए थे। चीन जाने के बाद से फिर बौद्धी धर्म को ज्ञान को वहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन वाले लोग उन्हें कुछ जहर दे करके मार दिए, और मारने के बाद से फिर वहां पर पूरा बौद्ध का जो यहाँ ज्ञान था वो समाप्त हो चुका है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, भी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसके बाद है यहाँ भी इस विश्वविद्यालय में भी विदेशों से यात्री आते थे पढ़ने के लिए। जैसे सबसे ज्यादा तो देखें कि बौद्ध के जो सबसे ज्यादा प्रचलन है भारत के बाद तो चीन और नेपाल भूटान के क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेगा। तो चीन में सबसे ज्यादा इसका प्रचलन था, तो चीन से यात्री ज्यादा आया करते थे यहाँ पर पढ़ाई के लिए। जैसे एक दो का प्रमुख नाम है आप लोगों को जानना चाहिए, वो है हेन सांग और इत सिंह। एग्जाम में ज्यादा ही पूछता है कि वो कौन से चीनी आते हैं या फिर चीन विदेशी छात्र हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो वो है हेन सांग और इत सिंह है। तो इनके बारे में आपको नाम जरूर याद रखना चाहिए, हेन सांग और इत सिंह। हेन सांग हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आए थे। हेन सांग जब भारत आए तो इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में भी पूरी तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, फिर नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक पढ़ा। पढ़ने के बाद यहाँ के बारे में, इस यहाँ के संस्कृति रहन सहन के बारे में जाना, फिर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा हेन सांग, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और भारत के यहाँ के संस्कृति के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद है थोड़ी सी ये जान लीजिए कि हम इन सब पुरानी चीजों के बारे में क्यों बता रहे हैं। हम आज शिक्षा नीति के बारे में बताने वाले हैं। मेरा बेसिकली बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भारत की पुरानी शिक्षा नीति और अब की शिक्षा नीति में क्या अंतर है, कैसी शिक्षा नीति थी भारत की जो अब क्या इसमें बदलाव हुआ है, बस यही बताना चाहते थे। तो आज ये मान लीजिए कि पहले की जो शिक्षा नीति थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही कड़ा नियम का हुआ करता था। जो आज की नीति में देखेंगे तो आज सिर्फ एकेडमिक और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा शिक्षा दिया जाता है, लेकिन पहले की जो शिक्षा हुआ करती थी वो अध्यात्म पर बेसिक होती थी। जैसे अध्यात्म के बारे में पढ़ाई होता था, आचरण के बारे में बताया जाता था, शास्त्रों की पढ़ाई की जाती थी। इन सबों से ऐसा ज्ञान लेने के बाद ऐसा लगता था एक ही आदमी बहुत चीजों में परिपूर्ण होता था। अध्यात्म का ज्ञान लेने से यह होता है कि आदमी अपने खुद के मन पर काबू कर लेता है, ये खुद के ऊपर बस मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की शिक्षा होती है, कि एक मोक्ष की प्राप्ति की भी ये पढ़ाई होती है। तो ये चीज होनी चाहिए, शास्त्रों की पढ़ाई होती है जिसमें वेदों का ज्ञान बताया जाता है, तो ये चीज होनी चाहिए शिक्षा के आगे। इसीलिए हम पुरानी चीजों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहे हैं, आगे के हम और भी बताएंगे, ठीक है। तो अध्यात्म आचरण और शिक्षा शास्त्र ये सब वेदों की पढ़ाई, तो पुराने जमाने में शिक्षा बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं कि अब पहले प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में देख लिया कि क्या प्रमुख केंद्र थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अंग्रेजों के समय में, जब भारत पर अंग्रेज जब 1600 ईस्वी के बाद जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय के लिए भारत में क्या क्या शिक्षा के लिए
एक योजनाएं बनाए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, उन्होंने सबसे पहले 1835 में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी भारत में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन अंग्रेजों में जैसे नाम आता लॉर्ड विलियम बेंटिक का, फिर है लॉर्ड डलहौजी है, इन लोगों का भी एक भारत में शिक्षा के प्रति बहुत ही मतलब इन लोगों का योगदान रहा है। तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया इन्होंने, और फिर इन्हीं के समय में विलियम बेंटिक ने फिर शिक्षा के लिए मैकाले की अनुशंसा पर फिर ये भारत में अंग्रेजी को एक माध्यम बना दिया गया कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई चलेगी। और ये आज तक जो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा चल रही है बना रहा है, ये मैकाले के अनुशंसा पर ही किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया। और भारत के जो सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय है ओपन यूनिवर्सिटी, वो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय को माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में जी राम रेड्डी द्वारा किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है, तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है जो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1982 में जी राम रेड्डी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डलहौजी के शासनकाल का। डलहौजी का भी एक भारत के शिक्षा के प्रति एक योगदान रहा है। तो देखिए, डलहौजी है, इन्होंने शिक्षा के सुधार के लिए 1854 ईस्वी में इन्होंने वुड डिस्पैच लागू किया। ठीक है, वुड डिस्पैच है जो शिक्षा से संबंधित एक योजना है जो लागू किए थे, इसके तहत शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने कुछ काम किए थे। उसके बाद डलहौजी ने 1857 में, पता है जब भारत में जब अंग्रेज शासन करते थे उस समय तीन बड़े बड़े भारत के प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, जो तीन प्रांत या फिर राज्य के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे बंबई होता बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी है जो सबसे मुख्य माना जाता था। तो इन तीनों ही बड़े प्रेसिडेंसी में डलहौजी ने एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया शिक्षा के लिए। तो ये 1857 ईस्वी में डलहौजी ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, फिर आगे देखें, ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है जो डलहौजी ने स्थापना किया था, इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय से भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे वो साहित्यकार हो, बड़े बड़े लोग इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता विश्वविद्यालय से निकले हैं, अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्री है, सीवी रमन वैज्ञानिक है, इन लोगों ने कोलकाता विश्वविद्यालय से ही पढ़ करके आगे निकले हैं। फिर देख लीजिए 1861 के एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत में ये 1863 में पहली बार सिविल सेवा का गठन किया गया था, और उसमें पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने सबसे पहले इसे सिविल सेवा के परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे। और सिविल सेवा की सफलता प्राप्त करने के बाद 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर को ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। जब वो 1864 ईस्वी में जब भारत लौट करके आया, तब उन्हें 1865 ईस्वी में उन्हें पोस्टिंग किया गया, ये गुजरात के अहमदाबाद में उन्हें पोस्टिंग दिया गया मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर। मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर उनका जो काम था वो था टैक्स वसूली से संबंधित उनका कुछ काम था। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वो काम किए थे, लगभग वो 35 वर्षों तक सर्विस में रहे, उसके बाद फिर वो शायद किसी जज के पद से वो सेनानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद से फिर क्या है कि भारत में एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक पद के रूप में जाना जाता है जिसे सिविल सेवा का जानते हैं। तो भारत में जो सबसे पहले यूपीएससी जिसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1926 में सबसे पहली बार किया गया था। तो यूपीएससी के ये भी एग्जाम पूछा जाता है, यूपीएससी की स्थापना कब, 1926 में पहली बार किया गया था। तो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो डलहौजी ने 1857 में, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसके अनुशंसा पर किया गया, तो लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो था आजादी के पहले का, कि भारत में अंग्रेज तक जब आए थे तो भारत में शिक्षा नीति क्या थी। उसके बाद से अब देखते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, जो भारतीय शासकों के भी हाथों में जो भारत का बागडोर दिया गया, उसके बाद जो भारत में शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई वो कैसी नीति थी, और आज तक वही शिक्षा नीति चल रही है तो कैसी थी, और अब जो नीति बनी है कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी कहानी जान लीजिए कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद सबसे पहले 1948 में तुरंत शिक्षा के ऊपर काम किया गया।
तो शिक्षा के ऊपर सबसे पहले राधा कृष्ण ने एक आयोग बनाया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाए थे राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण ने 1948 में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया। इसी के बाद से फिर भारत में शिक्षा नीति बनाना शुरू हो गया। तो इसके बाद से ही तुरंत सबसे पहले इंदिरा गांधी के सरकार में 1968 ईस्वी में सबसे पहले भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई गई। 1968 में जैसे देख सकते हैं कि भारत की सबसे पहले शिक्षा नीति बनी थी वो थी 1968 में बनाया गया था, एक कोठारी आयोग की अध्यक्षता में बनाया गया था 1968 में। 1964-66 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता में ये आयोग दिया गया कि अब बनाइए। 64 में दिया गया, 66 में बनकर तैयार हुआ, फिर 68 में इसे लागू किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद से फिर दूसरी जो भारत में शिक्षा नीति को लागू किया गया वो राजीव गांधी की सरकार में। भारत में अब तक 3 बार कुल मिलाकर के शिक्षा नीति लागू किया जा चुका है। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 2020 में। तो पहली शिक्षा नीति देख लिया, अब दूसरी शिक्षा नीति है जो 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के सरकार में इसे लागू किया गया। तो देख लीजिए 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति है जो कि ये राजीव गांधी के सरकार में इसे तैयार किया गया था। ये क्या है कि 1985 ईस्वी में एक शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया और उसी में यह बताया गया कि ऐसी दस्तावेज बने जो शिक्षा से संबंधित बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा को बनाया जा सके। तो शिक्षा की चुनौती एक दस्तावेज करके बनाया गया 1985 में। उसके तैयार होने के बाद ही 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति को तैयार किया गया 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति बनाया गया। बनने के बाद फिर क्या हुआ कि 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार जब आया तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। उसके बाद से फिर भारत की अब तक की 3 बार किया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में 3 बार शिक्षा नीति बनाए गए। तो अब तीसरा शिक्षा नीति जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस सेशन को आप लोग जरूर कन्फर्म याद करके रखेंगे कि भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो 2020 बना है इसकी शुरुआत सबसे पहले जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में सबसे पहले इसे गठित किया गया था। के कस्तूरी रंगन ये पहले इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में दिया गया, फिर इन्होंने मई 2019 में इसे बना करके इस नीति को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद से फिर क्या हुआ कि जो अभी वर्तमान में हमारे भारत के जो मानव विकास मंत्री जो है MHRD मिनिस्टर जिसे कहते हैं, जिसे शिक्षा मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फिर 29 जुलाई 2020 को इसे घोषणा कर दिया कि भारत में अब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। तो भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए घोषणा किया गया 29 जुलाई 2020 को हमारे MHRD मिनिस्टर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया। हमारे अभी जो भारत के जो शिक्षा मंत्री वो है रमेश पोखरियाल निशंक है भारत के अभी MHRD मिनिस्टर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या है MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। भारत के जो पहली जो दूसरी पहली अति में जो शिक्षा में जो भारत जो पढ़ाई का शिक्षा का जो नीति था मॉडल था वो था 10+2। अब जो तीसरी शिक्षा नीति में मॉडल तैयार किया गया है कि कैसे कैसे क्लास चलेंगी, तो अब चलेगी 5+3+3+4। इस मॉडल को हम अभी विस्तार से समझाएंगे, थोड़ा इससे आगे देख लीजिए ये क्या है 10+2 और 5+3+3+4, इसको विस्तार से भी समझाएंगे, थोड़ा इसके नीचे देख लेते हैं। पहले अभी देख ही लेते इसको, ठीक है 10+2 को समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 10+2 ये कुल मिलाकर के ये 12 यानी इंटर के कोर्स के जिसके नाम से जानते हैं इंटरमीडिएट के नाम से, तो इंटरमीडिएट पास करने के लिए पहुंचने के लिए 10+2 को मॉडल दिया गया था इंटर पास होने के लिए। तो सबसे पहले ये 10 वर्ष है, तो पहले क्या होता था कि 10 सालों में 10th पास होते थे, कहते थे हम 10th पास हो गए 10 साल में, उसके बाद 2 साल का कर लेते थे इंटर IAS, BSc, BA, BCom ये सब जो करते थे, तो दोनों मिला के 10th पास हुए 10 साल में, 2 सालों में इंटर कर लिए, तो मिला करके 12 साल हो जाते थे। 12 साल पढ़ने बाद इंटरमीडिएट फाइनल होता था। उसके बाद से फिर देख लीजिए ये जो नया जो कॉन्सेप्ट आया है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है 5+3+3+4 ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। 5 जो है ये 5 सालों के 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहले का 3 साल और बाद इसमें 2 साल ऐसे डिवाइड किया गया है।
पहले का 3 साल है जी, ये प्ले किड्स के नाम से जाना जाता है, प्ले किड्स। ये प्ले किड्स है यानी बच्चा जो रहेगा, जो बच्चा आएगा तो पहले 3 साल पहले खेलेगा। खेलने का मतलब इसे बैठना, चलना, बोलना, तरीके सही तरीके से ये सब सीखेगा कि कैसे क्लास में बैठा जाता है। इसे खेल खेल में इसको सिखाया जाएगा कि वो कैसे आगे पढ़ने के लायक उसको बनाया जाए। ऐसे नहीं कि पहले ना बच्चों को वन क्लास में डाल दे, तो उसे पढ़ने के लायक पहले बनाने के लिए उसे 3 साल का समय दिया गया बच्चों को कि आराम से खेलिए, खेल खेल कर पढ़िए। पहले बच्चा बैठेगा, बैठ करके सीखेगा, तो इस तरीके से 3 साल का उसको समय दिया गया खेल खेल के, उसे ये समझने के लिए कि कब वो क्लास में जाएगा। उसके बाद से जैसे चौथा साल आएगा तो चौथा साल में ये क्या करेगा बच्चा कि फर्स्ट पहला क्लास में चल जाएगा, जो पांचवा साल आ जाएगा तो दूसरा क्लास में चला जाएगा। तो पूरे 5 साल स्कूल में देने के बाद वो बच्चा सिर्फ 2 क्लास तक पहुंचेगा, 2 क्लास तक, 2। उसके बाद इधर 2 क्लास खत्म हो गए, 2 क्लास तक आ गया, 5 साल में बच्चा 2 क्लास तक आ गया, 2 क्लास तक, सेकंड क्लास तक। उसके बाद ये 3 साल लिया, 3 साल लेने के बाद 2 क्लास तक पहुंच गया था, तो अब 3, 4, 5 लड़का ये 3 साल लेने के बाद 5th क्लास तक पहुंच जाएगा, 5th क्लास तक पहुंचेगा, फिर ये 3 साल लेगा तो 6, 7, 8 ये 3 साल लेने के बाद ये बच्चा 8th क्लास तक पहुंचेगा। और इसके बाद से फिर ये 4 साल जब लेगा तो 9, 10, 11, 12 देखिए फिर इंटर तक पहुंच गया। फॉर्मेट मॉडल चेंज हुआ, 10+2 और 5+3+3+4 लेकर के 12 तक पहुंच ही गया। 12 तक करने के बाद इंटर हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरीके से पहले 5 साल में 3 साल बच्चा खेलेगा, दूसरी क्लास तक पहुंचेगा, फिर 3 साल लेगा तो 2 क्लास तक पहुंच गया था, 3 साल लेगा तो 3, 4, 5 तक पहुंच जाएगा इसमें, 5 तक, फिर 3 साल लेगा तो 8 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 6, 7, 8 ये 3 साल हो गया, और फिर 4 साल ले लेगा 9, 10, 11, 12 पास हो गया। तो ये फॉर्मेट है 5+3+3+4 का, ठीक है। तो यहां समझने के बाद अब देखते हैं आगे जो पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में जो बदलाव हुआ है। तो पहले की शिक्षा में क्या था, हम लोग वोकेशनल कोर्स 10+2 के बात करते थे, जो कि अब इसे घटा करके 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स कराने के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जो ये बहुत अच्छा है, कदम भी है, जिसको समय अब थोड़ा समय बचेगा। पहले 10+2 करने के बाद वोकेशनल कोर्स के लिए किया जाता था, तो 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स किया जा सकेगा। फिर 9th क्लास से ही विषय का वैकल्पिक विषय का आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि आप 10th पास होने के बाद 11, 12 में आप लोग लेते थे अपने विषय, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी, तो आप 9th क्लास से ही आप अपने विषय को चुन सकेंगे। अगला है फिर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जहाँ की पहले हम लोग देखते थे 3 सालों का होता था, अब ग्रेजुएशन का 4 सालों के लिए कर दिया गया है। इसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया, पहले था कि अगर 3 सालों में ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, अगर आप बीच में एक भी साल छोड़ते हैं, पहला साल किए, दूसरा साल किए, तीसरा में छोड़ दिए, तो पूरे बीए की डिग्री आपका समाप्त, स्नातक का डिग्री नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन का। दूसरी साल छोड़िएगा फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको अगर 1 साल भी करके छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, समझा देते हैं। अगर अब हो गया ग्रेजुएशन 4 साल का, पहले ग्रेजुएशन था 3 साल का, अब 4 साल का हो गया, तो अब बदलाव क्या होगा। अगर आप पहले साल करते हैं, अब पहले साल का पूरा करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, लेकिन उसके बदले में 1 साल के लिए प्रमाण पत्र आता है, वो आपको प्रमाण पत्र सिर्फ दिया जाएगा कि बच्चा 1 साल ही किया है ग्रेजुएशन। अगर आप 2 साल करके छोड़ते हैं तो दूसरी साल में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, अगर ग्रेजुएशन 2 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। तीसरी साल अगर करते हैं, तीसरी साल करके छोड़ते तो आपको पूरी बीए की डिग्री मिलेगी, पूरे बीए की डिग्री 3 सालों में मिल जाएगी आपको। यहाँ भी देखिए ग्रेजुएशन तो 3 साल में, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष किया है, क्यों किया है, आपको एक साथ करने के लिए, ठीक है, बता रहे हैं। जैसे मास्टर डिग्री करते थे तो मास्टर पहले 3 साल के क्या करते हैं ग्रेजुएशन, और 2 साल तक करते हैं मास्टर डिग्री, तो मिलाकर 5 साल होता था। मास्टर डिग्री को मिला दिया गया, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन के बाद एमफिल करते थे, तो एमफिल कोर्स को ही हटा दिया गया, देखिए एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। अब आपको एमफिल कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन 4 साल का कीजिएगा, उसी में आपको एमफिल कोर्स आ जाएगा, मास्टर डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप चौथी करते हैं, चौथा साल पूरा कीजिएगा ग्रेजुएशन का, आपको यहाँ पर शोध के साथ यानी रिसर्चर के लिए आपको स्नातक मांग लिया जाएगा कि एमफिल मास्टर डिग्री तक ये लड़का ग्रेजुएट हो चुका है। इस तरीके से आप 4 वर्ष पूरा कर सकेंगे। ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे पीएचडी करेंगे, पहले होता था ग्रेजुएशन करेंगे, एमफिल करेंगे, उसके बाद लोग पीएचडी करता था, तब डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन 4 साल का पूरा करने के बाद पीएचडी कर सकेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जो भारत की जो नई शिक्षा नीति बना है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा से अभी वंचित है, मतलब अभी तक स्कूल में नहीं पहुंच
पहुंच पाए हैं। तो भारत सरकार की ये मानना है, ये योजना है कि इस नई शिक्षा नीति में क्या करेंगे, जो गांव के जो वंचित क्षेत्र जो लोग हैं, जो अभी तक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों को लगभग 2 करोड़ बच्चों को अभी भी स्कूल के स्कूली शिक्षा से जोड़ना है, ये लक्ष्य रखा गया है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 जो बनाया गया है, इसमें पूरे GDP का लगभग 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो बनाया गया है, इसमें पूरे 6% मतलब खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, 2020 लागू नहीं हुआ है, जो दूसरी शिक्षा नीति के तहत जो चल रहा है, इसमें अभी वर्तमान में पूरे GDP का 4.46% अभी खर्च होता है, 4.46%। लेकिन जो अभी नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगा, तो इसमें पूरे भी GDP का 6% लक्ष्य रखा गया है इस पर खर्च करने के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है भारत का, वो हिमाचल प्रदेश है। इसे ध्यान से जरूर रखें, याद रखें, ताकि आगे एग्जाम में आपको काम आ सकेगा। तो ये है नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश है। तो हमारा यहाँ पर भारत की शिक्षा नीति समाप्त होती है। तो चलिए, जय हिंद।